समर वेकेशन से पहले जिसे केस की चर्चा हर जगह थी वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की रीओपन होते ही जस्टिसेस हेमा कोहली एंड संदीप मेहता की बेंच के सामने आ गया है। अगर आपको अब भी याद ना आया हो कि हम किस केस की बात कर रहे हैं तो जरा एक स्टेटमेंट को याद कीजिए, वी विल रिप यू अपार्ट। शायद अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात पतंजलि द्वारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के मामले की हो रही है, और जो स्टेटमेंट अभी कहा वो एक हियरिंग से जुड़ा है जहाँ जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्ला को पतंजलि फाउंडर्स पर भड़कते हुए देखा गया था उन्हें कोर्ट के ऑर्डर्स का अच्छे से पालन ना करने के लिए। अगर रिकॉल करें तो वेकेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट बेंच पतंजलि फाउंडर बाबा रामदेव और पतंजलि के डायरेक्टर पर काफी गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को नहीं हटाया था बल्कि उल्टा मीडिया में एलोपैथिक डॉक्टर्स और मेडिसिन को डिफेम किया था, जिसके बाद IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की। हियरिंग के दौरान ये भी देखा गया कि पतंजलि की ओर से दी गई पब्लिक अपॉलोजी को लेकर भी कोर्टरूम का माहौल काफी गर्म था क्योंकि इनिशियली पतंजलि ने अपनी अपॉलोजी कोर्ट की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के एक दिन पहले दी थी और वो भी बहुत छोटे अक्षरों में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज नजर आई और उन्हें फिर से पब्लिक अपॉलोजी इशू करने को बोला। जहां पतंजलि और बाबा रामदेव पर से सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा शांत हो ही रहा था, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो इस केस के पिटिशनर है उन्होंने भी मीडिया में एक इंटरव्यू देते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्पार्जिंग रिमार्क्स बोले, विच अगेन बिकेम अ कंसर्निंग इशू फॉर द बेंच, और उन्होंने IMA चीफ से एक्सप्लेनेशन मांगा। इतना कुछ होने के बाद अब फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट के फिर से रीओपन होने के साथ और जस्टिस हेमा कोहली के साथ जस्टिस संदीप मेहता की प्रेजेंस इस केस में क्या डायरेक्शन लेती है, आइए जानते हैं। आज की हियरिंग की शुरुआत हुई जब बेंच ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा कि क्या उन्होंने सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है और क्या इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो गई हैं ये देखने के लिए कि क्या कंटेमनर्स ने मिसलीडिंग एड्स को रिमूव करने के लिए कोई एक्शन लिया है। तो इसका रिप्लाई एडवोकेट पटवालिया ने दिया और कहा कि नहीं, कोर्ट ने पतंजलि द्वारा फाइल्ड एडिशनल एफिडेविट को पढ़ते हुए नोट किया कि उन्होंने कहा है कि 14 आयुर्वेदिक मेडिसिन की सेल को स्टॉप कर दिया गया है और उनके 5,606 एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी स्टोर्स को नोटिस भी इशू कर दिया गया है। जस्टिस कोहली ने नोट किया कि पतंजलि ने कहा है कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी स्टेट कर दिया है कि इन 14 मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट्स का ब्रॉडकास्ट रोक दिया जाए। कोर्ट ने पतंजलि से फिर एक एफिडेविट इन नेक्स्ट 2 वीक्स फाइल करने को कहा, ये बताते हुए कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सीड किया है और 14 मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट्स को रिमूव कर दिया गया है। आगे कोर्ट ने उत्तराखंड स्टेट के एफिडेविट पर भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्लाई एफिडेविट को 2 हफ्तों के अंदर डिमांड किया है। जस्टिस कोहली ने हियरिंग के दौरान नोट किया कि क्योंकि ये केस एक्सपैंड हो गया है वो इस केस में एक एमिकस क्यूरे अपॉइंट कर रही है। बेंच ने एडवोकेट शदान फरासत को एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया है और कहा, मिस्टर शदान फरासत हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमिकस एंड विल कंपाइल द डाटा प्रोवाइडेड बाय द यूनियन एंड ऑल स्टेट्स प्रेजेंटिंग अ समरी टू द कोर्ट टू स्ट्रीमलाइन प्रोसीडिंग्स, दिस रोल इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू दिस टास्क। ये कहने के बाद कोर्ट ने IMA प्रेसिडेंट के मामले को भी याद किया। IMA काउंसिल ने अपेयर होते हुए कोर्ट को बताया कि IMA प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक अपॉलोजी इशू की है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी पब्लिश्ड है। सिर्फ यही नहीं, एडवोकेट पटवालिया ने बेंच से कहा कि इसके अलावा PTI, इकोनॉमिक टाइम्स एंड अदर पब्लिकेशंस में भी ऐसी ही अनकंडीशनल अपॉलोजी ऑफर की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने उनसे PTI में दी गई अपॉलोजी की मांग की, जिसके साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया था और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट रिमार्क्स पास किए थे। एडवोकेट पटवालिया के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जस्टिस कोहली ने सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह फॉर द रिस्पोंडेंट से पूछा कि क्या उन्होंने IMA प्रेसिडेंट द्वारा फाइल्ड एफिडेविट को देखा है। जब मिस्टर सिंह ने नेगेटिव में आंसर दिया तो बेंच ने मैटर को अगस्त 6 के लिए एडजर्न कर दिया ताकि रिस्पोंडेंट्स एक रिप्लाई एफिडेविट फाइल कर सके। सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट द रिस्पोंडेंट्स मे असिस्ट द कोर्ट ऑन दिस एस्पेक्ट इफ दे विश टू, बट द इशू वॉज इफेक्टिवली बिटवीन द कोर्ट एंड द IMA प्रेसिडेंट। मैटर को सुनने के बाद कोर्ट ने केस में फाइल की गई इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के बारे में पूछा और नोट किया कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस फ्रॉम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड ब्रॉडबैंड ऑफ इंडिया फोरम से फाइल की गई है। कोर्ट ने तीनों एप्लीकेशंस के काउंसिल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस की प्रेयर्स टैबलेटेड फॉर्म में सबमिट करने के लिए कहा। एक एप्लीकेंट के लॉयर सीनियर एडवोकेट अरविंद दतार ने बताया कि वो इंटरिम रिलीफ सीक कर रहे हैं, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद होते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इंडस्ट्री पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है और रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इसमें एक नजर डाले। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे को भी बोलते हुए सुना गया कि 10 सेकंड्स की एड्स अब भी मौजूद है। तीनों काउंसिल्स को सुनने के बाद जस्टिस कोहली क्लेरिफाइड दैट द कोर्ट्स इंटेंशन इज टू फोकस ऑन पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड दैट एनी एक्सट्रेनियस मैटर वुड बी क्लेरिफाइड इन द ड्यू कोर्स। जस्टिस कोहली ने स्ट्रेस दिया कि इंडस्ट्री को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने मिनिस्ट्री को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जारी रखने और नए आइडियाज जनरेट करने के लिए फर्दर मीटिंग्स होल्ड करने के लिए कहा। मिनिस्ट्री को 3 हफ्तों के अंदर अपने रिकमेंडेशंस के साथ एक एफिडेविट फाइल करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स को भी इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में शामिल होने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि डिस्कशंस कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कुछ स्टेट्स ने ड्रग एजेंसीज के मामले में पहले ही एफिडेविट फाइल किए हैं। एमिकस को इन एफिडेविट्स को समराइज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट सबमिट करने के लिए कहा गया है। जिन स्टेट्स ने अब तक अपने एफिडेविट्स फाइल नहीं किए हैं उन्हें जल्दी से एफिडेविट्स फाइल करके रिकॉर्ड पे रखने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आईएमए प्रेसिडेंट की एप्लीकेशन की हियरिंग 6 अगस्त को शेड्यूल की है। बाकी रिलेटेड मैटर्स 30 अगस्त को सुने जाएंगे ताकि सभी पर्टिनेंट इश्यूज टाइमली अटेंशन और रेजोल्यूशन पा सके। तो आपने देखा कि कैसे वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फुल जोश के साथ वापस से पतंजलि केस पर गंभीरता से सुनवाई कर रही है। ये पूरा मामला आईएमए की एक रिट पिटीशन के थ्रू शुरू हुआ था। उन्होंने जोर देते हुए बताया था कि पतंजलि अपनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से एलोपैथी को डिस्पार्च कर रहा है और साथ ही फॉल्स क्लेम्स कर रहा है रिगार्डिंग क्योरिंग सर्टेन डिजीजेस। आईएमए प्लीज रेफर टू अ हाफ पेज एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन जुलाई 10, 2022 टाइटल्ड एज मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। आईएमए ने अपनी पिटीशन में कहा था कि जहां हर कमर्शियल एंटिटी को राइट है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, वहीं पतंजलि द्वारा किए गए अनवेरिफाइड क्लेम्स आर इन डायरेक्ट वायलेशंस ऑफ लॉ सच एज द ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सिर्फ यही नहीं, उनकी पिटीशन ने ये भी हाईलाइट किया कि स्वामी रामदेव ने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं इंक्लूडिंग एलोपैथी एज अ स्टूपिड एंड बैंकरप्ट साइंस और अनफाउंडेड क्लेम्स भी किए हैं अबाउट द डेथ्स ऑफ पीपल ड्यू टू एलोपैथिक मेडिसिंस ड्यूरिंग द सेकंड वेव ऑफ द कोविड 19। आईएमए ने पतंजलि को एक्यूज करते हुए कहा था कि उन्होंने कोविड 19 वैक्सीन के बारे में फॉल्स र्यूमर स्प्रेड किए हैं जिसकी वजह से वैक्सीन लेने में हेजिटेंसी देखने को मिली। स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। रामदेव द्वारा उन सिटीजन जो ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे ड्यूरिंग सेकंड वेव ऑफ पेंडेमिक, उनकी मौकरी को भी हाईलाइट किया गया है। इतने सीरियस क्लेम्स के बाद आईएमए ने जब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया तो वो भी इस मैटर को लेकर काफी सीरियसनेस के साथ इन्वॉल्व हुई और उनका टेक तो आप हियरिंग में सुन ही रहे हैं। सो स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा टू बी ऑन दिस केस। स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया।